नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में जल्द होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले योगी सरकार घरेलू निवेशकों को भी साधने की तैयारी कर रहे हैं। 16 देशों में रोड शो करने के बाद अब यूपी सरकार के मंत्री देश के 7 शहरों का रुख करेंगे। रोड शो की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जनवरी से मुंबई से करेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले दुनिया के 16 देशों में रोड शो कर 7.12 लाख करोड़ रुपए के करार के बाद अब राज्य सरकार घरेलू निवेशकों पर फोकस करेगी। राज्य सरकार की तरफ से देश में होने वाले रोड शो के लिए 7 शहरों को चुना गया है। इन शहरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। रोड शो के लिए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राजमंत्रियों की टीम बनाई गई है। रोड शो की शुरुआत सीएम योगी 5 जनवरी को मुंबई से करेंगे। वहीं सीएम योगी मुंबई में टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और एशियन पेंट्स के अलावा बैंकिंग सेक्टर और फिल्म जगत की हस्तियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। अन्य दौरों में अडानी ग्रुप, हीरा नंदानी ग्रुप, नेस्ले, कोका कोला, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, गोयनका ग्रुप, ओसवाल इंडस्ट्रीज जैसे बड़े औद्योगिक समूह से बातचीत होगी। आपको बता दें, मुंबई में 5 जनवरी को मटिम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल होंगे। चेन्नई में 9 जनवरी को टीम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण और नितिन अग्रवाल होंगे। नई दिल्ली में 13 जनवरी को कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, योगेंद्र उपाध्याय, एके शर्मा और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री संदीप सिंह निवेशकों से मिलेंगे। कोलकाता में 16 जनवरी को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दया शंकर सिंह और राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल शामिल हैं। हैदराबाद में 18 जनवरी को टीम में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अरुण सक्सेना शामिल हैं। अहमदाबाद में 20 जनवरी को कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जयेंद्र प्रताप और राज्य मंत्री जसवंत सैनी शामिल होंगे। बेंगलुरु में 23 जनवरी को कैबिनेट मंत्री नंदी, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल होंगे। योगी के प्रदेश की छवि को देखते हुए पंजाब के निवेशक मान सरकार का साथ छोड़कर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, भारी भरकम रकम निवेश कर रहे हैं। विदेशों से खुद निवेश का प्रस्ताव आना और देश के तमाम राज्यों से निवेश आना प्रदेश की विकासवादी छवि को मजबूती से गढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।